हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज आप देख पा रहे हो यामा की तरफ से फैसिनो 125 सीसी का इंजन इसमें आपको मिलता है, और ये आपके सामने इसका मैट ब्लैक स्पेशल एडिशन हाइब्रिड डिस्क के साथ। इसमें कुछ एलिमेंट्स हैं जो अलग अलग कलर के कंपनी ने यूज़ किए हैं, जो कि मैं आज आपको पूरा रिव्यू इसके अंदर करके दिखाऊँगा। और ज़्यादातर स्कूटर के अंदर आपको ना शाइनी ब्लैक और मैट ब्लैक का ही ज़्यादा यूज़ आपको इसमें देखने को मिलता है। जो इसके शार्प कर्टन्स वगैरह है, जो इसकी एरोडाइनमिक जो इसकी लुक है, वो काफ़ी हद तक मेरे को बहुत ही यूनिक लगी है। और जो पीछे की लुक है वो भी इसकी भाई बहुत शानदार, आप ध्यान से देख सकते हो। और यहाँ पर ज़्यादातर गोल्ड एलिमेंट्स का जो स्टिकर्स वगैरह कह सकते हो आप, या फिर कुछ नाम वगैरह जो इनका यामा का है, वो इन्होंने गोल्ड कलर के अंदर ज़्यादा मेंशन यहाँ पे कर रखा है। तो मैट ब्लैक स्पेशल एडिशन आप इसका देख पा रहे हो, सबसे इसका टॉप मॉडल है ये। तो भाई स्कूटर के ऑन रोड प्राइस के बारे में बात करें तो वो आपको पड़ता है 1,03,000। ये मैं आपको हरियाणा का रेट बता रहा हूँ, बाकी अदर सिटी का अलग रेट होता है। तो चलिए इसके फ्रंट साइड की ओर चलते हैं और इसका रिव्यू करते हैं, देखते हैं क्या कुछ यहाँ पर चेंज इन्होंने कर रखा है। तो फ्रंट में जो इसकी हेडलाइट है उसकी तो भाई लुक ही काफ़ी हद तक मेरे को अच्छी लगी है अदर स्कूटर्स के मुकाबले, क्योंकि एक क्लासिक सी लुक इसके अंदर निकल के आती है। साथ में आपको ग्लोसी पार्ट लाइट के आउटर में प्रोवाइड होता है, और पूरा मैट ब्लैक आप ध्यान से देख सकते हो। जो इसकी मैट ब्लैक की जो क्वालिटी है भाई, बड़ा ऑसम किस्म की है, मतलब सबसे बढ़िया मेरे को अब तक की ये लगी है जो मैट ब्लैक इन्होंने दिया है। और फुल LED सेटअप आपको इसके अंदर प्रोवाइड होता है, कोई इसमें कोई हेलोजन बल्ब नहीं है, हलो बीम हाई बीम दोनों एक्टिवेट है। साथ में नंबर प्लेट लगाने की लोकेशन आपको यहाँ पे सेंटर में प्रोवाइड हो जाती है। और जो इसके इंडिकेटर्स हैं, इंडिकेटर्स आप इसके देख पा रहे हो मिलते तो आपको वाइट कलर के अंदर है, और इसके अंदर साथ में आपको ये शाइनी ब्लैक कलर की यहाँ पर क्रोम का यूज इन्होंने कर रखा है। यामा का छोटा सा लोगो आपको आगे मिल जाता है, और भाई लेफ्ट साइड भी सेम पोर्शन वैसा का वैसा ही मिलता है। मतलब ये इसका जो कलर कॉम्बिनेशन है मैट ब्लैक के साथ जो शाइनी ब्लैक है, वो काफ़ी हद तक बढ़िया बना रखा है इन्होंने। तो चलिए इसके नीचे की साइड चलते हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको मिलता है UBS की ब्रांडिंग, और साथ में यहाँ पे कुछ गोल्ड इन्होंने स्टिकर्स का यहाँ पे यूज़ कर रखा है। पूरा मडगार्ड जो आपको पूरा मैट ब्लैक कलर में मिलता है, पूरा मेटल का पार्ट है, प्लास्टिक इसमें आपको नहीं मिलता। और मडगार्ड के ऊपर आपको हॉर्न भी इसका विजिबल होता होगा। और नीचे की साइड आप देख सकते हैं इसमें आपको डिस्क प्रोवाइड हो जाता है। और सबसे बढ़िया बात मेरे को इसकी लगी कि आपको दोनों ही व्हील का जो कलर है वो आपको गोल्ड कलर में मिलता है, साथ में व्हील के ऊपर भी यहाँ पे यामा की बैजिंग इन्होंने कर रखी है। टायर साइज की बात करें तो नंबे 12 का आपको इसमें टायर मिलता है 54 के साथ। यही टायर आपको TVS जुपिटर में भी ऐसा सेम साइज़ का प्रोवाइड होता है। तो मैक्सिस का आपको इसमें टायर प्रोवाइड होता है। और जो इसके डिस्क के साइज़ की बात करें तो आप देख सकते हो आपको वो मिलता है 190mm का आपको फ्रंट डिस्क इसके अंदर प्रोवाइड होता है। ब्लैक विद सिल्वर कलर के अंदर आपको कंपनी प्रोवाइड करवाती है। और जो इसकी यहाँ पे इन्होंने प्रोटेक्शन काफ़ी दे रखी, जो वायर वगैरह ज़्यादा लोकेशन से अपनी ना हटे, तो यहाँ पे कुछ एंगल इन्होंने यहाँ पे लगा रखी नीचे की तरफ भी और ऊपर की तरफ भी इन्होंने यहाँ पे मैनेज कर रखी है, जो कि काफ़ी सही है। मतलब इससे क्या होता है आपको रनिंग में कोई दिक्कत नहीं आती है। और आप इसके एक बार फ्रंट से लुक देखो ध्यान से, मतलब लगती कैसी है यार, कितनी यूनिक इन्होंने यहाँ पे इस बार बना रखी है। और भाई इसकी राइट साइड से आप इसकी लुक देख सकते हो, आपको कुछ ऐसा फेस इसको मिलता है। तो भाई इसकी वारंटी की बात करें तो आपको 2 साल तक की पूरी वारंटी मिलती है 24,000 किलोमीटर तक की। और यहाँ पर फैसिनो गोल्ड कलर में इन्होंने यूज़ कर रखा है, और साइड में सीट के नीचे आपको ब्लैक शाइनी कलर क्रोम यहाँ पर मिलती है। तो फैसिनो S की यहाँ पर बैजिंग इन्होंने करके गोल्ड कलर के साथ, जो कि इसकी क्वालिटी है वो काफ़ी हद तक इन्होंने बढ़िया कर रखी है। और जो मैट ब्लैक के यहाँ पे स्ट्रिप स्टिकर इन्होंने यहाँ पे यूज़ कर रखे हैं, काफ़ी शार्प कर्टन सी जो बैक लग है वो भी इन्होंने बना रखी है। और भाई सेंटर कंसोल की बात करें, सेंटर में आप देख सकते हो यहाँ पर थोड़ा टेक्स्चर मिलता है, जो काफ़ी हद तक जो ग्रिपिंग में है वो काफ़ी आपको काम देता है। मतलब थोड़ा डायमंड टाइप सा लग रहा है मेरे को, जो कटआउट्स वगैरह इसके वैसे ही है। और इसमें आपको भाई सारे सारे आप सीट भी जो का कवर आता है ना, वो भी मैनेज करवा सकते हो, बाकी सबका चॉइस है अपना, कोई कवर लगवाता है कोई नहीं लगवाता है। ग्रिपिंग इसकी काफ़ी हद तक बढ़िया मेरे को लगते हैं वहाँ, मगर इसमें इतना स्पेस नहीं है कि आप बीच में कोई सिलेंडर वगैरह लगा सकते हो, नहीं आप नॉर्मल आप रनिंग कर सकते हो, जा सकते हो। और फिर से हम इसके पीछे की साइड चलते हैं, और भाई सबसे इसका यूनिक पार्ट है वो मैं आपको ना आगे चल के दिखाता हूँ, आप ध्यान से देखना। ये जो इसका साइलेंसर है, इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग है ना, वो हद तक मतलब बहुत ही ज़्यादा यूनिक बना रखी है इन्होंने, आप ध्यान से देखो। मतलब इसका साइलेंसर वो भी पूरा आपको प्लास्टिक पार्ट के साथ कवर मिलता है, और जो अंदर की तरफ जो इसका एयर फ्लो होता है, जो बाहर गर्म हवा को फेंकता है, वो भी पूरा इन्होंने यहाँ पर मैनेज कर रखा है विद प्लास्टिक कवर के साथ, जो कि एकदम बिल्कुल अच्छा सा लग रहा है। मतलब जो प्रोफेशनल होते हैं स्कूटर्स, उनकी तरह ही लग रहा है। अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो एक बार तो आपको ऐसा लगेगा कि ये चार्जिंग से तो नहीं चलती है, मगर नहीं, आपको पेट्रोल वेरिएंट है भाई। और जो इसका फुटरेस्ट है उसका साइज़ भी काफ़ी बड़ा है, मतलब आराम से बंदा पैर रख सकता है। फुटरेस्ट के दोनों ही आपको काफ़ी हद तक बढ़िया मिलते हैं। और भाई इसकी चलिए इसकी बात करते हैं हम इसके बैक साइड के बारे में। बैक साइड की जो लुक है भाई साहब, वो कतई औसम है, मतलब बहुत ही बढ़िया है। और आपको सामने आप देख सकते हैं छोटा सा लोगो आपको यामा की तरफ से मिल जाता है, जो इनका लाइट का जो विजिबिलिटी है ये थोड़ी थोड़ी आपको ना हल्की पिंकिश से कलर दिखते होंगे कैमरे के अंदर, ये है भी मतलब ऐसी उसी टाइप की। और जो ब्लैक शाइनी कलर का जो यहाँ पर यूज कर रखा है वो भी काफ़ी हद तक, जो कलर कॉम्बिनेशन है ब्लैक मैट के साथ भाई साहब,
भाई जो मैट ब्लैक का कलर कॉम्बिनेशन है वो इनका नेक्स्ट लेवल का है भाई। और आपको इसमें साथ में ना हल्की हल्की पिंक जो इसकी शेड्स वगैरह मिलती हैं जो इसकी लाइट्स के अंदर है, मगर नाइट के अंदर तो सेम वही आपका नॉर्मल काम करती है। और पीछे की तरफ जो इसका जो लाइट का जो शेप है वो काफ़ी इन्होंने यहाँ पर थोड़ी हल्की डाउन यहाँ पर कर रखी है। और इसके नीचे की तरफ चलते हैं वहाँ बात करते हैं, आप देख सकते हो यहाँ आपको दोनों तरफ आपको साथ में रिफ्लेक्टर लगे हुए मिलते हैं और नंबर प्लेट लगाने की लोकेशन भी आपको यहीं मिलती है प्रोवाइड। आप देख सकते हो रिफ्लेक्टर क्या काम होता है नाइट विजन में आपको काफ़ी हेल्प करते हैं। और बैक टायर सेक्शन की बात करें तो आप देख सकते हो आपको ना इसमें 110/90 10 इंच का आपको इसमें टायर साइज आपको प्रोवाइड होता है। अलॉय व्हील्स आपको पूरा गोल्ड के अंदर आपको इसके अंदर प्रोवाइड होगा। और ऊपर की तरफ जो ये बॉक्स देख पा रहे हो इसका एयर फिल्टर, मतलब जितना डस्ट वगैरह होता है सारा इसके अंदर जमा हो जाता है। और साथ में आपको इसमें किक भी प्रोवाइड हो जाती है। और यामा की बैजिंग आप सामने देख पा रहे हो 125 cc का इंजन है इसमें आपको मिलता है। और इंजन आप इसका देख पा रहे हो आपको मिलता है मेटल के साथ। और इसमें नीचे की तरफ यहाँ पर भी थोड़ा टेक्सचर इन्होंने यूज़ कर रखा है, मतलब कुछ तरह से ऐसे लगता है क्योंकि लेमिनेशन वगैरह इसके अंदर पर ऐसा नहीं है, कुछ यही लेजर टाइप से इन्होंने यहाँ पे कुछ प्रिंट यहाँ पे कर रखा जो कि काफ़ी हद तक इसकी लुक को एनहेंस कर रहा है। एक यूनिक इंजन की लुक इसके अंदर आपको देखने को मिलती है। और इसमें लेफ्ट साइड में आपको वही सेम आपको फुट रेस्ट मिलता है, इसकी जो चौड़ाई जो लंबाई वो काफ़ी हद तक बढ़िया इन्होंने दे रखी है, आराम से बंदा रनिंग के टाइम चलते समय पैर रख सकता है। फैसिनो आपको गोल्ड कलर के अंदर इसके ऊपर लिखा हुआ मिलता है फैसिनो एस की बैजिंग। और साथ में आप स्टिकर्स जो काफ़ी लॉन्ग साइज में इन्होंने दे रखा गोल्ड कलर के अंदर। तो लेफ्ट साइड से जो स्कूटर का लुक है वो आपको कुछ इस तरह का मिलता है, आप ध्यान से देख सकते हो। और भाई इसमें अब हम बात करते हैं इसकी सीटिंग के बारे में, तो जो सीटिंग है वो लोग काफ़ी लॉन्ग सीट इन्होंने दे रखी है। तो चलिए इसको ओपन करते हैं। ओपन करने के लिए कि आपको क्या करना पड़ता है कि जो इसकी की है वो आपको हल्का सा अंदर प्रेस करके लेफ्ट की तरफ टर्न करनी पड़ती है, तो इससे आराम से ओपन हो जाती है। तो आप देख सकते हैं कुछ पोर्ट इसका इस तरह से ओपन हो जाता है, जो टैंक फ्यूल है वो भी आपको इसमें सीट के नीचे ही प्रोवाइड होता है। चेसी नंबर आप इसका देख पा रहे हो आपको अंदर ही मिलता है, इसको ओपन करने के लिए हल्का सा लेफ्ट टर्न करना पड़ता है। और फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात करें तो भाई वो आपको 5.2 लीटर की आपको इसके अंदर प्रोवाइड हो जाती है। बंद करने के लिए हल्का सा वापस राइट की तरफ रन करना इजीली, काफ़ी कोई टफ नहीं है इसके अंदर और आप आराम से इसको बंद कर सकते हो। और अब इसके बूट स्पेस के बारे में बात करें तो बूट स्पेस आप इसका देख पाओ, एक जो नॉर्मल हेलमेट होता है ना जिसमें ऊपर खाली आपको शीशा मिलता है वो इसमें आराम से आ सकता है। ज़्यादा बड़ा हेलमेट आप इसके अंदर एक्सल साइज या डबल एक्सल साइज आप डाल के देखोगे तो वो इसके अंदर मैनेज बिल्कुल भी नहीं होगा। जो टूल किट है वो भी आपको सीट के अंदर ही मैनेज आपको मिल जाती है। तो बूट स्पेस के मामले में थोड़ा आपको मैनेज करना पड़ेगा, मतलब ठीक है ये ठीक ठाक ही कह सकते हैं इसको, मतलब ज़्यादा नहीं कह सकते। हाँ मगर सबसे बढ़िया बात मेरे को यही लगी है कि भाई जो सीट की जो लेंथ है वो काफ़ी हद तक चौड़ी और लंबाई इन्होंने काफ़ी बढ़िया दे रखी है। तीन बंदे भी चाहे तो आप आराम से बैठ सकते हो, मतलब पीछे तक का पूरा स्पेस आपको प्रोवाइड हो जाता है। सीटिंग कैपेसिटी इसकी बहुत ही कंफर्टेबल, बहुत ही कुशनिंग इसकी काफ़ी हद तक बहुत ही ज़्यादा इन्होंने बढ़िया बना रखी है। जो इसकी शेप है, जो इसके यहाँ पे कवर इन्होंने जो लेदर का यूज़ कर रखा है वो भी नेक्स्ट लेवल है। और पीछे का जो ग्रैब हैंडल है वो आपको पूरा मैट ब्लैक कलर में आपको प्रोवाइड होता है, क्योंकि काफ़ी इसके साथ मैच भी हो रहा है मतलब। तो भाई चलिए एक बार इसकी सस्पेंशन के बारे में बात करें तो आपको जो फ्रंट में जो मिलता है आपको टेलीस्कोपिक फोर्क सस्पेंशन मिलता है, और जो बैक की बात करें तो आपको मिलता है यूनिट स्विंग का सस्पेंशन आपको इसमें प्रोवाइड होता है। और भाई इसके इग्निशन को ऑन करने से पहले एक बार नीचे देख सकते हो आपको यहाँ पर कुछ ऐसे इसका यहाँ पर की इनपुट यहाँ पर प्रोवाइड होता है। तो सीट ओपन करने के लिए, इसका इग्निशन स्टार्ट करने के लिए वही आपको सारा मैकेनिज्म आपको सारा यहाँ पे प्रोवाइड हो जाता है। और साथ में यहाँ पर आपको एक छोटा सा हैंडल मिल जाता है, यहाँ पर आप 4 से 5 किलो तक का सामान आराम से रख सकते हो। और फैसिनो की बैजिंग के नीचे आपको टायर की जो प्रेशर वगैरह वहाँ पर आपको मिलता है। उसके टैकोमीटर के बारे में बात करते हैं तो टैकोमीटर इसका डिस्प्ले आपको फुल डिजिटल इसके अंदर प्रोवाइड हो जाती है। इसमें आपको ब्लूटूथ तो मिल जाती है, मगर जो ब्लूटूथ है वो सारी आपके मोबाइल ऐप से ही काम करेगी। इसके अंदर कोई ज़्यादा फीचर इसके अंदर ऐड नहीं किया है, मतलब जो इसकी ऐप है ना वो आपको इतना बता देगी आपकी स्कूटर चली इतनी है, रनिंग इतनी है, हाई स्पीड इतनी है, मतलब सारा जो इसका मैकेनिज्म है वो सारा आपके फ़ोन से ही काम करेगा। और जो इसका भी ब्लैक कलर बटन देख पा रहे हो इसका इंटेलिगो बटन, और आपको साथ में हेडलाइट का बटन मिल जाता है। नीचे की तरफ सेल्फ स्टार्ट कर सकते हो, लेफ्ट साइड में आप देख पा रहे हो आप लाइट अपर डाउन का आपको बटन मिलता है विद इंडिकेटर के साथ, और साथ में हॉर्न भी आपको प्रोवाइड हो जाता है। और सबसे इसके जो यूनिक पार्ट है उसका आपको मिरर्स भी लगेगा, क्योंकि मिरर्स इसका डिजाइन ऐसा दे रखा है इन्होंने जैसे कि कोई पेड़ का पत्ता होता है ना उस टाइप का डिजाइन बना रखा है। और भाई उसके मिरर वो आपको मिलते हैं ब्लैक क्रोम के साथ, और साथ में आप नीचे की तरफ देख सकते हो यहाँ पर आपको ब्लैक कोर हाइब्रिड की यहाँ पर बैजिंग इन्होंने कर रखी है। हाइब्रिड डिस्क स्पेशल एडिशन है इसका, तो इन्होंने यहाँ पर लेफ्ट साइड में यहाँ पर इन्होंने बैजिंग कर रखी है। तो भाई चलिए बात करते हैं इसकी भाई जो पावर परफॉर्मेंस के बारे में, 125 cc का इंजन है, इसकी पावर परफॉर्मेंस कंपनी आपको क्या प्रोवाइड करवाती है और कितनी इसकी रनिंग स्पीड हाई स्पीड है वो सारी मैं आपको ना डिस्प्ले के ऊपर मैनेज कर दूंगा। आप आराम से वीडियो को पॉज करके कंटिन्यूसली भी आराम से पढ़ सकते हो।
तो भाई आई होप आपने सारी इन्फॉर्मेशन इसकी पावर परफॉर्मेंस के बारे में पढ़ ली होगी। तो चलिए हम बात करते हैं बच के इसके मेन पॉइंट के बारे में, मतलब इसके माइलेज के बारे में। आपको माइलेज स्कूटर की कितनी मिलती है? तो माइलेज आपको मिलती है 50 किलोमीटर पर लीटर के साथ, जिसकी ऑन द हाईवे मार्केट कंपनी की तरफ से सजेशन होती है। अगर इन द सिटी के अंदर आप चलाओगे तो 40 के नियर बाय आपको आराम से इसके अंदर मिल जाती है। बाकी हर बंदे की ड्राइविंग रेंज होती है, ड्राइविंग तरीका होता है। जितना ही कस्टमर तरीके से चलाता है उतना ही आपको अच्छा माइलेज प्रोवाइड होता है, चाहे वो गाड़ी हो, चाहे वो आपको स्कूटर हो, चाहे वो बाइक हो। और भाई इसकी जो कर्व वेट की बात करते हैं, बहुत ही लाइट में आप ये स्कूटर मिलती है। इसका 99 के जी कंपनी आपको इसका वेट बताती है। और भाई इसकी जो हाईएस्ट स्पीड है वो आपको कंपनी प्रोवाइड करवाती है, 90 किलोमीटर्स की जो हाईएस्ट स्पीड है वो आपको इसको रनिंग कर सकते हो। चलिए एक बार हम इसके डायमेंशन के बारे में बात कर ले, मतलब इसकी लेंथ, वेट, हाइट वगैरह आपको क्या कुछ प्रोवाइड होती है, वो मैं सब आपको स्क्रीन के ऊपर विजिट करवा देता हूँ। आप आराम से वीडियो को पॉज करके या फिर कंटिन्यूसली इसको आराम से पढ़ सकते हो। अभी आज का रिव्यू हमारी तरफ से ये था यामाहा फैसिनो के बारे में 125cc के इंजन के साथ। अगर वीडियो पसंद आई तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना। मैं मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपको जय हिंद और जय भारत।